तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के तरफ से लॉन्च हुए दो नए स्मार्टफोन के बारे में, और हमने ये स्मार्टफोन हमारे टेक्नीशियन और हमारे एक्सपर्ट से पूछा कि ये फोन कैसा है, तो उन्होंने कहा तो दोस्तों मजाक की बात साइड में, आज मैं इस वीडियो में आप सबको इस फोन की सच्चाई और ये फोन क्यों टट्टी है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आज की पेशकश शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं M11 के बारे में बात करूंगा, और पहले मैं आप सबको इसका स्पेक्स बता देता हूं, और उसके बाद मैं आप सबको कहूंगा कि ये फ़ोन क्यों टट्टी है। तो दोस्तों इसके अंदर हमें एक 6.4 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है विद पंच होल, और इसी के साथ हमें 13+5+2 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है रियर में, जो कि 5 मेगापिक्सल है अल्ट्रा वाइड के लिए और 13 मेगापिक्सल प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल डेप्थ, और इसी के साथ हमें फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का एक अच्छा सा कैमरा मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो थे कैमरा की बात है, अब जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो है 5000 mAh का बैटरी, जिसको ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है सैमसंग की तरफ से। और दोस्तों 5000 mAh की बैटरी के अलावा जो फ़ोन का मेन चीज़ होता है मतलब प्रोसेसर, वो दिया गया है स्नैपड्रैगन 450। तो दोस्तों मैं इसे क्यों टट्टी कह रहा हूँ, इसका कारण यही है। हाँ दोस्तों इसका प्राइस 3GB और 32GB रैम के लिए रखा गया है 11,000 रुपीज़, और 4GB प्लस 64GB रैम वेरिएंट के लिए रखा गया है 13,000 रुपीज़, मतलब 13,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ स्नैपड्रैगन 450 के लिए। तो दोस्तों स्नैपड्रैगन 450 के लिए ये लोग 13,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जो कि टट्टी कहना चाहिए। और इतने प्राइस देकर अगर आप 450 प्रोसेसर ले रहे हैं तो आपसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा सलाह यही होगा कि आप इस फ़ोन को ना लेकर 1000 रुपये और ज़्यादा देकर रियलमी 6 की तरफ देख सकते हैं। और दोस्तों मुझे रियलमी से कोई पैसा नहीं मिलता, मैं सच में कह रहा हूँ रियलमी 6 बहुत ही अच्छा फ़ोन है। अगर आप उस फ़ोन को इस फ़ोन से कंपेयर करेंगे तो उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर फ़ोन है और ये सिर्फ बैटरी के लिए फ़ोन मिलता है आपको। तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इस फ़ोन को मत लीजिए, और यही कारण है इसका टट्टी बोलने का। अब आते हैं M1 के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर हमें 5.7 इंचेस का एक फिर से HD पैनल मिलता है, कि एक वाटर ड्यू ड्रॉप नॉच की तरह है, जिसे ये लोग इन्फिनिटी वी डिस्प्ले भी कहते हैं। इस प्राइस में मुझे लगता है कि ठीक है, और प्राइस में आगे आप सबको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर हमें कैमरा में 13+2 मेगापिक्सल एक डुअल कैमरा सेटअप मिलता है रियर में, जो कि 13 मेगापिक्सल प्राइमरी है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ के लिए है, और इसी के साथ हमें फ्रंट में एक 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर बैटरी तो हमें बहुत ही ज़्यादा नहीं मिलता, मतलब 5000 नहीं मिलता, इसके अंदर हमें एक 4000 mAh का एवरेज बैटरी मिल जाता है, और इसके साथ हमें प्रोसेसर में जो कि फ़ोन को चलाता है वो मिलता है स्नैपड्रैगन 439। या तो दोस्तों इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही रैम वेरिएंट मिलता है, जो कि 3+32GB रैम वेरिएंट है, उसका प्राइस है 9000 रुपये। 9000 रुपये में स्नैपड्रैगन 439, दिस इज़ फुली वर्थलेस। आप इसे किसी भी तरह से कंसीडर मत कीजिए, मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा कि ब्रांड को देखकर किसी भी फ़ोन को मत लीजिए, उसके पूरी तरीके से स्पेसिफिकेशन को भी देख लीजिए। एंड सैमसंग अच्छा है और उसके प्रीमियम और फ्लैगशिप फ़ोन मुझे पसंद आते हैं, पर इसी तरह के बजट फ़ोन के लिए इतना ज़्यादा ये लोग चार्ज करते हैं, इसलिए मुझे ये फ़ोन अच्छे नहीं लगते। अगर सैमसंग गैलेक्सी M11 का प्राइस 9000 से 10000 के अंदर भी होता तो भी कंसीडर किया जा सकता था, और अगर इसका प्राइस 7 से 8000 तक होता तो भी हो सकता था एक अच्छा फ़ोन, पर इसका प्राइस सैमसंग ने जो रखा है वो एकदम छप्पड़ फाड़ है, और मुझे नहीं लगता कि इतने प्राइस देकर हमें सैमसंग का फ़ोन लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे बातें समझ चुके होंगे, और अगर इस वीडियो को पसंद आता तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करते घंटी को ज़रूर बजा देना। जय हिंद, वंदे मातरम।